नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्यानु टीवी, नित्यानु टीवी में आपका स्वागत है। आई बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की, और मैं आपके साथ विनोद कुमार। ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद विवेक नारायण सहजवालकर ने रविवार को दोपहर नरवा चिकित्सालय पहुंचकर निरीक्षण किया, अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा BMO को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तत्पश्चात गुडद मंदिर नरवर के प्रांगण में हिंदू जागरण मंच के स्वयंसेवकों को कोरोना महामारी में सेवा परमो धर्म के मूल मंत्र पर बढ़ चढ़कर कार्य करने वाले स्वयंसेवकों का माल्यार्पण व शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। सांसद विवेक नारायण सहजवालकर ने हिंदू जागरण मंच के सेवा समर्पण भावी कार्य में जुटे स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि इस कोरोना जैसी महामारी में जनसेवा का आपका भाव वंदनीय है। इस सेवा कार्य को निरंतर करते रहने के लिए ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करे। जिस प्रकार सैनिक बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही हमारे हिंदू जागरण मंच के कोरोना योद्धाओं ने भी सैनिकों की भांति कार्य किया है। शिवपुरी से राजीव सक्सेना की खास रिपोर्ट। सवा डेढ़ साल हो रहा है, आप देखते हैं कि जो वैक्सीन बनी, चाहे पोलियो की हो, अन्य बीमारियों की हो, वर्षों के रिसर्च के बाद और वर्षों के इसके जो परिणाम देखने के बाद कुछ कहा जा सकता है। तो आज केवल सवा डेढ़ साल के अंदर इसके बारे में कोई निर्णय हम कह सकते ऐसी स्थिति में नहीं है, इसलिए भी इसको अपने को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। रजिस्ट्रेशन के बाद भी, रजिस्ट्रेशन होने तक भी लगातार हम लोग मास्क का आग्रह करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम करें, अपने हाथ और सारे शरीर को स्वच्छ रखने की बात हम करें, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक किसी भी भीड़ वाले कार्यक्रम से बचे हमें, क्योंकि इसके बाद भी अभी आज हम लोग सुन रहे हैं कि 20 लोगों की परमिशन मिलेगी उसका सामूहिक कार्यक्रम के लिए। तो कोई भी समारोह वगैरह का जो अगर आपको डिस्करेज करते हैं तो मेरा मतलब वो भी सबसे बड़ी एक तरह से सेवा भी होगी और एक दिशा में कोरोना पर विजय प्राप्त करने का तरीका भी हो सकता है। फिर से 1200 लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने एक तरह से अपने अपना नुकसान हो सकता है इस बात को दरकार करते हुए लोगों की सेवा आपने की, आगे भी लोग आपको स्वस्थ रखें, इस बात के लिए आप और शक्ति दें कि आने वाले समय में इस तरह की क्रांति अगर और भी आती है तो उसका मुकाबला करने के लिए, लोगों को उसके तैयार करने के लिए, लोगों को सेवा करने के लिए आपको अपनी और शक्ति दें। इसी धर्म से प्रार्थना में करना चाह रहा हूँ, जिससे मैं आप सबको इस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। जिस विचार से हम आते हैं इसमें तो देखिए, हम कहते हैं कि सबसे पहले देश है, उसके बाद और कोई है, सबसे पहले देश है, उसके बाद व्यक्ति हो सकता है, पार्टी हो सकती है, बिंदु हो सकती है। तो सबसे पहले देश की चिंता हम लोग करते हैं, समाज की चिंता हम करते हैं। हम वास्तव में हमारे ट्रेनिंग कहूँ तो सर गलत नहीं होगा, हमारे ट्रेनिंग हमारे संस्कार ही ऐसे हैं और हम अपने संस्कारों के साथ आने वाले समय में भी इसी प्रकार से समाज की सेवा करते रहेंगे। इसकी अपेक्षा मैं नहीं करता, समाज भी करता है, मुझे आशा करता हूँ आप पूरी ताकत के साथ आगे भी इस तरह काम करते रहेंगे। पुनः एक बार आपको धन्यवाद, आपने अपने मुझे मौका दिया आपसे मिलने का, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो कई बार आगे होगा संकट की समीक्षा के लिए, जानकारी बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए हमारे बीच में विराजमान है हमारे लोकप्रिय सांसद। सांसद जी, हमारे मंडल सतरबड़ा के अध्यक्ष, आदरणीय गुर्जर जी, आदरणीय गुप्ता जी, संगीत जी, कैलाश जी, समस्त कार्यकर्तागण और खासकर यहाँ पर प्रमुख सभी पदाधिकारीगण, मैं आप सब लोगों का हृदय से स्वागत करता हूँ। माननीय सांसद जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आप सभी का कि आपने इस कोविड के माहौल में, इस महामारी में आपने अपने हिंदू जागरण मंच के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से जी जान से जो काम किया है, और वो काम जो भारत सरकार चाहती है, जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती थी कि हम लोगों की सेवा करें, आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के 7 वर्ष पूरे हुए हैं, यानी सरकार शासन के दूसरी शासन आने के बाद 2 वर्ष का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। और आज पूरे देश में आज का दिवस 30 मई को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है,
और इस सेवा दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी 1 लाख ग्रामों में जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहन करना है, मास्क वितरण करना है, सैनिटाइजर वितरण करना है और खासकर लोग वैक्सीनेशन लगवाएं, टीके लगवाएं, इसके लिए प्रोत्साहित करना है। आज इस पूरी विधानसभा का दौरा माननीय सांसद जी के नेतृत्व में हुआ है, दिनारा PSC से लेके करेरा CSC और अभी नरवर CSC का भी निरीक्षण करके आए हैं और सभी जगह कार्यकर्ताओं से भेंट हुई है। कार्यकर्ताओं के द्वारा जो जो समस्याएं आज के तत्कालिक तौर पर जो बताई गई है उन्होंने नोट किया है, उनका समाधान